अंश ने भी कर दी बिस्ती के रजब भट्ट एक जाहिल और गवार इंसान है, बगैर पानी का लोटा रजब भट्ट का खबा और सजा। तो आपने वीडियो देख ही ली होगी जिसपे रजब भट्ट ने मेरे पे अटैक किया। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक होगा भाई एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज भाई अंशली ने कह दिया भाई, तो आपने वीडियो देख ही ली होगी जिस पे रजब भट्ट ने मेरे पे अटैक किया। रजब भट्ट को डायरेक्ट कह दिया कि रजब भट्ट एक जाहिल गवार और अनपढ़ बंदा है जिसने भाई मुझ पे हाथ उठाया रिंग में जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। जैसे आप लोगों ने अंशली की पोस्ट देखी होगी जिसमें भाई उसने मजाक उड़ाया है रजब भट्ट का कि यार ये एक जाहिल गवार बंदा है, ठीक है, ये निशानी होती है एक पढ़े लिखे बंदे में और अनपढ़ बंदे में। तो भाई अंशली की वो वीडियो देख लेते हैं। हमने धक्के मारे हैं बला बला, तो ये निशानी है एक अनपढ़ बंदे की और एक बिजनेसमैन की। ये होती है भाई निशानी एक बिजनेसमैन बंदे की और एक अनपढ़ गवार जाहिल बंदे की। जैसे अंशली ने कहा जी रजब भट्ट ने जो है मुझ पर हाथ उठाया वो एक निशानी थी के जाहिल गवार बंदे की, और अंशली ने जो है एक बिजनेसमैन मतलब एक पढ़े लिखे होने का किरदार निभाया। उन्होंने आगे से मार का रिप्लाई मार से नहीं दिया। आगे वीडियो देख लेते हैं। जुल्करनैन ने अंशली को चैलेंज दिया था, अगर रजब अली आपको इतना ही बुरा लगता है तो आप फाइट कर लो आपस में, पता लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। तो अंशली का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि आपस में हम दोनों की बॉक्सिंग फाइट होगी। तो फिर अंशली ने कहा यार ऐसे व्लॉग देखेंगे तो बच्चे गली मोहल्ले के बच्चे फिर ऐसे ही करेंगे ना, एक दूसरे को मारेंगे लड़ेंगे झगड़ेंगे। वीडियो देख लें आप लोग। इसलिए मैं चाहता था कि ऐसे लोगों को मारा जो यंगस्टर्स हैं, ऐसे लोगों को देख रहे हैं, इनके व्लॉग देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये सीख रहे हैं कि गली मोहल्लों में जाके लड़ रहे हो। मैं चाहता मैं भी धक्के मार सकता था, क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई फाइट स्केड्यूल्ड है, 30 जून को मैच है और आप लोग धक्के मार रहे हो। अंशली का भाई डायरेक्टली यही कहना है यार तुम जाहिलों वाली हरकतें ना करो, गवारों वाली हरकतें ना करो, 30 जून को भाई मैच हो तो रहा है तो तुम भाई बॉक्सिंग रिंग में आके मेरे साथ लड़ो, तुम क्यों ये गली मोहल्ले वाली जाहिलों वाली हरकतें कर रहे हो। मतलब ये अंशली का कहना है भाई, मेरा कहना कुछ नहीं है, जो वीडियो में है मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। ऐसे करते हैं कोई नहीं, रिंग में इसको मैं नॉकआउट कर ही दूंगा यार, मुझे नॉकआउट करना पड़ेगा, मेरी जो ऑडियंस है। अंशली को गुस्सा भाई चढ़ गया, उसने कहा जी मैं इसको नॉकआउट करके रहूंगा इस गवार इंसान को, ठीक है रिंग के अंदर, ये रिंग में आ जाए इसको मैं रिंग में बताऊंगा कि भाई बॉक्सिंग कहते किसको, मैं शायद पता नहीं इसको बॉक्सिंग का, व्हाट्सएप को पता भी है कि नहीं पता, हाँ पता तो होगा जरी बात है, इसलिए उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो भाई अंश ने कहा जी ये रिंग में आ जाए मैं इसको रिंग में नॉकआउट कर दूंगा, देखते हैं भाई क्या होता है। रजब भट्ट की तरह भाई अंश अली ने भी कंफर्म कर दिया भाई ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई प्री प्लान नहीं है या ये कोई पैसा पूसा कमाने का तरीका नहीं है। आप लोग वीडियो देख लें, मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर आप लोग कहेंगे यार अपने से भाई मारता रहता है कुछ होता तो है नहीं वीडियो में, तो आप लोग भाई वीडियो देख लें। और दूसरी कुछ लोग कह रहे हैं ये पब्लिक स्टंट है, पैसे कमाने भाई आप लोगों ने 1000-1000 रुपए 2000-2000 रुपए से हमने कमाना है, ठीक है, इस इवेंट सिर्फ ऑर्गेनाइज ही करने के लिए 2-3 करोड़ रुपया लग रहा है जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो जी मुझे छोड़ के बाकी बहुत से लोग हैं उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये प्री प्लान हो रहा है, गेम है, एमी है, ये लोगों से पैसा हड़पने की बस एक साजिश है अंशली की और रजब भट्ट की। ये एक प्यारे से भाई हैं, इन्होंने भी वीडियो बनाई है तो आप प्लीज इनकी भी वीडियो देख लें कि ये वीडियो में क्या फरमा रहे हैं। प्री प्लान लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है, ठीक है, ये लोगों की पॉकेट से पैसा निकालने का तरीका है। एक दिन के अंदर कम से कम भी मैं आपको कहता हूं ये 10 करोड़ रुपया यानी कि लोगों की पॉकेट से निकलवाएंगे भाई। कितना 10 करोड़ रुपया, ओ खैर हो जे भाई, ओए होए होए, मतलब यार इतनी भरी इन लोगों की प्लानिंग है यार, ये कोई क्या यार रजब भट्ट और अंशली आप ये लोग सही कह रहे हो यार, बेचारे गरीब लोगों की पैसों में से आप जेबों में से आप पैसा निकलवा रहे हो यार, बजट आ चुका हुआ है, ठीक है महंगाई आगे होने वाली है और भाई हमारी बेवकूफ सी ऑडियंस इन बेवकूफों के पीछे पड़ गई है। और ये सारी जो मास्टरमाइंड का गेम जो चलाने वाला बंदा है, ठीक है, ये जो बंदा है अब मैं मुझे तो पता नहीं इसका नाम भी क्या है, ये भाई ये असद है भाई, ये भी फैमिली व्लॉगिंग कर चुका है, ठीक है भाई इसने भी भाई बहुत पागल बनाया आवाम को, मतलब फूल कलियां दिखा के बहुत पैसा इस बंदे ने इकट्ठा कर लिया है। तो भाई फिर ये बीच में थोड़ा सा हाजी नमाजी हो गया, ठीक है जब ये हाजी नमाजी हो गया तो इसको लोगों ने देखना छोड़ दिया। इसने फिर क्या कहा, इसने कहा यार चलो कोई ना कोई भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हनुमान नहीं बड़ी कसम खा लीजिए फैमिली व्लॉगिंग नहीं करांगा तो लोग की कहेंगे कि यार ऐसे चुस्त निकले है बंदा घूमरे बारह वाला। तो भाई इसने फिर प्लान बनाया जाके व्हाट्सएप के साथ और अंशली के साथ के आओ यार भाई बिजनेस करते हैं, क्या यार तुम लोग लर भर रहे हो, ठीक है तुम लोगों की भाई इस प्लानिंग को पकड़ के हम लोग एक बॉक्सिंग का नाम देते हैं, ठीक है वहां से पैसा कमाते हैं पैसा छापते हैं। बीच में भाई छोड़ दिया इन्होंने शुडली जुल्करनैन को कि चल भाई शाबाश शुरू हो जा, तेरी तो भाई सुनेंगे ना लोग, वाह जी वाह क्या प्लानिंग मास्टर प्लानर्स ब्रो। 30 जून को आपसे रिंग में मुलाकात होती है। तो जी अब होने जा रही है भाई 30 जून को रजब भट्ट की और अंश अली की बॉक्सिंग फाइट। तो भाई
रिक्वेस्ट आप लोगों से, सारे देखिएगा यार, इन्होंने पैसा लगाया यार, पैसा इन लोगों ने कमाना है, तो प्लीज सारे भाई खरीद लीजिएगा टिकट 5,000 रुपए की, 1,000 रुपए की, इनके पीछे यार बेचारे कंगाल ना कहीं हो जाए, इतना पैसा लाते हैं इन्होंने। तो भाई ये वीडियो थी यहीं तक, अच्छी लगे तो भाई चैनल को करते सब्सक्राइब, बेल आइकन को करते प्रेस, ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो भाई अपने भाई को दे इजाजत, सॉरी सब्सक्राइब भला कैसे करना है, चुक चुक के आगा को मारना है, आगा चागा ने भाई बना दिए एक वीडियो, तो वो भी आप लोग देख ही लें, ये भाई उस वीडियो का थंबनेल है। तो अब बताएं आप लोग यार, इस पे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, ये है भाई बगैर पानी का लोटा, रजबट का खबा और सजा, तो मुझे बताएं इस पे वीडियो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, अगर आनी चाहिए तो भाई कमेंट्स में जल्दी जल्दी कमेंट्स करें और बताएं जी आगा चागा पे वीडियो बनाएं जी, फिर हम फेंकेंगे अपनी ऑडियंस की भाई, हम लोग मानेंगे इंशाल्लाह। तो जी वीडियो पसंद आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, तो भाई पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा, अपने ज्यादा टाट टाप फुर फुर।